जिम्मेदारियां बदली, किरदार बदला, लेकिन गुजरात की गलियों से दिल्ली दरबार तक पहुंचने के लंबे सफर में अगर कुछ नहीं बदला तो आक्रामक अंदाज, अगर कुछ हमेशा साथ रहा तो हर चुनौती से टकराने के लिए सर्वस्व दांव पर लगाने का मिजाज, और जिसने हर बार राह आसान की वो थी इच्छा शक्ति। ओवैसी साहब ने अभी कहा कि एनआरसी का बैकग्राउंड बना रहे हैं, एनआरसी का कोई बैकग्राउंड बनाने की जरूरत नहीं है, हम इस पर बिल्कुल साफ है कि इस देश में एनआरसी होकर रहेगी, कोई बैकग्राउंड बनाने की जरूरत नहीं, बैकग्राउंड है ही हमारा घोषणा पत्र ही बैकग्राउंड। मैं अमित अनिल चंद्र शाह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। बतौर गृह मंत्री अमित शाह के बीते 6 महीने बस एक गृह मंत्री के कार्यकाल के 6 महीने नहीं है, बल्कि इन 6 महीनों का एक एक दिन बीते 60 से 70 सालों के इतिहास को झकझोरने का, पुराने इतिहास को पलटने का, नया इतिहास लिखने का दिन। अपने सियासी रणकौशल से सिर्फ 6 महीने के अंदर अमित शाह ने भारतीय इतिहास की किताब में इतने पन्ने जोड़ दिए कि संपूर्ण इतिहास को 2 खंडों में बांटा जा सकता है, पहला अमित शाह के गृह मंत्री बनने से पहले का, दूसरा उनके गृह मंत्री बनने के बाद का। केंद्र की राजनीति में कदम रखते ही अमित शाह ने खुद को अनप्रिडिक्टेबल बना लिया, वो कब क्या और किस तरफ का रुख करेंगे इसका पहले से अंदाजा लगा पाना किसी के लिए संभव नहीं हो पाया। एक वोट से गिर जाने वाली जिस अटल राजनीति की विरासत को लेकर अमित शाह दिल्ली आए थे, तब कौन कह सकता था कि बहुमत के बड़े बड़े असंभव आंकड़े उनकी राजनीतिक इच्छा शक्ति के आगे बौने पड़ जाएंगे। साथ ही छूटे तो छूटे, सभा में हमने कुछ सवाल उठाए हैं, प्रश्न जरूर उठाए हैं जिसका उत्तर मिला नहीं है। कल गृहमंत्री जी ने शायद शिवसेना छोड़कर हर एक पार्टी और सदस्य के माध्यम से सदस्य ने जितने सारे सवाल उठाए उत्तर देने का प्रयास किया, ऐसे मैंने सुना। पता नहीं शिवसेना ने जो प्रश्न उठाए हैं उसका उत्तर मिला या नहीं मिला, और हमने जो प्रश्न उठाए वो ये हमारी किसी की निजी बात नहीं है, पूरे देश की बात है। राज्यसभा में और विस्तार से चर्चा होनी चाहिए, और सिर्फ ये जो मैंने कहा प्रश्न किसी पार्टी के लिए नहीं है, पूरे देश के लिए। विपक्षी रूठे तो रूठे, ये सिटीजंस अमेंडमेंट बिल असंवैधानिक है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और हिंदुस्तान की सभ्यता के खिलाफ है, इसका हम डट के विरोध करेंगे। जिस तरह से लोकसभा में विरोध किया इसी तरह से राज्यसभा में विरोध करें। भरोसे टूटे तो टूटे, स्वागत है भाई स्वागत है। लेकिन अमित शाह की खूबी हमेशा से ये रही है कि वो टारगेट सेट करने से पहले उसे हासिल करने की रणनीति तैयार कर लेते हैं। नागरिकता संशोधन बिल एक ऐसा बिल था जिसे पास कराने से पहले अमित शाह के सामने 4 स्थितियां थी, अपने ही साथी नाराज हो जाएं, पुराने साथी दुश्मन बने, विपक्ष अति आक्रामक हो, राज्यसभा में बहुमत नहीं। लेकिन समर्थन के 125 वोट के सामने विरोध के 99 वोटों का आंकड़ा कहीं पीछे छूट जाता है और नागरिकता संशोधन बिल पास हो जाता है। Eyes 125, nose 105, abstain 0। कोई चुनौती व्यवधान नहीं डाल पाती, कोई व्यवधान बिल को रोक नहीं पाता। दलीलों से